दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग जा रहे थे बाहर, तो आज हम जा रहे हैं चेतन बालाजी हनुमान जी मंदिर, जो कि भाटुंद गांव में लोकेटेड है। और आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको, कि मैं बेड़ा गांव से हूँ। बेड़ा गांव ये पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में, तो मैं वहाँ से हूँ। तो इसीलिए अब हम जा रहे थे भाटुंद, और भाटुंद और बेड़ा का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, पास में ही है, तो इसीलिए हम आराम से जा सकते हैं। और पीछे देखिए, मेरे दादी सा है, मम्मा है, और बीच में मेरे भुआ सा बैठे हैं। और अब हम जा रहे हैं भाटुंद। तो बहुत ही अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी हवा वगैरह चल रही थी। और अभी राजस्थान में इतनी, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, पहले मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी नवंबर के एंडिंग में, लेकिन अभी तो इतनी नहीं लग रही है। और हालांकि ऐसा होता है कि दिसंबर जनवरी में ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन इस बार चलो ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए कितना प्यारा गांव, एकदम हरियाली हरियाली, और जवाई की जो ब्यूटी है वो तो देखते ही बनती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते भी हैं, टूरिस्ट वगैरह विज़िट करते हैं जवाई, द लैंड ऑफ लेपर्ड्स। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर। और पहले ना यहाँ पर बहुत कच्चा रास्ता था, जो जो लोग भी भाटुंड से होंगे उन सबको पता होगा, यहाँ पर बहुत ही कच्चा रास्ता था, लेकिन अब बहुत अच्छे से रोड बन गया है यहाँ पर। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर। तो देखिए एंट्रेंस भी कितना प्यारा है यहाँ का। और गाइस, मैं यहाँ पर ना बहुत टाइम के बाद में आ रही हूँ, आई थिंक 6 या 7 ईयर्स के बाद में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर रहते नहीं है ना, मुंबई में ही रहते थे, तो इस वजह से यहाँ पर आना होता नहीं था। और यहाँ पर देखिए मेरे दादी सा उतर रहे हैं, और एक्चुअली हमेशा दादा दादी सा या दादा ही आगे बैठते हैं पापा जी के पास में, लेकिन इस बार मेरे को दादी सा ने खुद बोला कि नहीं, तुम ही आगे बैठो, बिकॉज़ तुम कंफर्टेबली बैठ सकती हो आगे, और पीछे क्या है कि धक्के वगैरह लग सकते हैं, और जब सब 2-3 लोग साथ में बैठते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इस वजह से दादी सा ने मुझे बोला कि नहीं, तुम ही आगे बैठा करो, अभी तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं मंदिर, और बहुत ही प्यारा मंदिर है। यहाँ पर कुछ महीनों पहले प्रतिष्ठा भी हुई थी, उसमें भी हम आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए थे। तो ये देखिए पानी की प्याव है, और बहुत ही प्यारा मंदिर है, पीछे झूले वगैरह भी है बच्चों के लिए। और ये देखिए मंदिर, जो कि मेन मंदिर है, मतलब सबसे पहला मंदिर यही था, सिर्फ हनुमान जी का ही मंदिर था यहाँ पर। तो जब उस टाइम में मैं आई थी 6 या 7 ईयर्स पहले, तो मैंने ये देखा था मंदिर, तो तब तो बस यही एक मंदिर था, लेकिन इसके अलावा भी 2 मंदिर और बना है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी आके वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए दादी सा और पापा जी आ रहे हैं दोनों साथ में, तो दादी सा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे मंदिर वगैरह जाकर। और दादाजी भी थे, तब भी हम सब जाते थे हरिद्वार, जम्मू कश्मीर वगैरह सब जगह हम गए हुए, कटरा वगैरह, तो इसी वजह से दादाजी की ना बहुत ज़्यादा याद आती है जब भी हम सब साथ में जाते हैं, और उसमें सिर्फ दादाजी नहीं होते ना, तो बहुत याद आती है। और हाँ गाइज, यही वो पत्थर है जो, मतलब बोलते हैं ना चमत्कारी पत्थर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस मंदिर की बहुत मान्यता है कि इस पत्थर के ऊपर बैठकर अगर आप कुछ भी विश मांगते हो और गोल गोल घूमते हो, तो आपकी है ना सारी विश पूरी हो जाती है। और ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति, तो आप सब भी ले लीजिए इनका आशीर्वाद और अपने लिए विशेष मांगिए। और यहाँ पर देखिए पापा जी बैठ रहे थे, तो हम सबको इतनी हंसी आ रही थी, हमने बोला कि पापा जी आपके पैर बड़े हैं ना, इस वजह से वो टच हो रहे हैं ज़मीन को, तो इस वजह से पत्थर घूम नहीं रहा है। तो पापा जी ने तो हाथ जोड़े और पापा जी उठ गए। और उसके बाद में ये देखिए मम्मा, मतलब एक एक करके ना सब लोग ट्रायल कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी मम्मा बैठ रहे हैं, और मैं और दादी सा तो भाई दूर से ही हाथ जोड़ लिया हमने तो, और इतनी हंसी आ रही थी दादी सा को उस दिन, तो बाप रे बाप, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सब लोग साथ में थे। और जब भी फैमिली साथ में होती है तो कोई भी जगह वो अपने आप अच्छी बनी जाती है। और ये है हमारे हनुमान जी, भगवान जी, तो आप सब भी ले लीजिए इनका आशीर्वाद। और आप सबके लिए भी मैं प्रे कर रही थी उस दिन कि आप सब भी हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। और ये देखिए बाहर का एरिया है यहाँ का, तो
बहुत ही अच्छा अभी मंदिर को कर दिया है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी कुटिया टाइप बनाई हुई है, वो पहले की मूवीज़ वगैरह में बताते थे ना कि ऐसे वुडन की वुडन का घर वगैरह बनाया हुआ होता था, तो वही उसी टाइप का कुछ बनाया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। हालांकि ये किसी का घर वगैरह नहीं है, यहाँ पर हवन वगैरह होते हैं, तो वही था। और भी काम मतलब है ना चालू था वहाँ का। और ये देखिए ये है दूसरा मंदिर, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। और यह है उस मंदिर का एंट्रेंस, और इस तरीके से कुछ ये डेकोरेट किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम गए थे लगभग शाम के टाइम में, 4 या 5 बज रहे थे उस टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आइए मैं आप लोगों को और भी भगवान जी से मिला देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ। आप सब भी आप लोगों के लिए दुआ मांग लीजिए। सो गाइज़ ये देखिए यहाँ पर है झूले जो कि बच्चों के खेलने के लिए, और ये पहले भी थे जब पुराना मंदिर था, और यहाँ पर बनाया बहुत ही प्यारा सा चबूतरा। और पीछे देखिए हो रहा है सनसेट।
छिप मैं तो गुप्त।